हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी दिनों से आप लोग सीमेट के भी एग्ज़ाम का वेट कर रहे थे कि कब होगा क्या होगा। तो आज उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो जल्दी से मैं इंपॉर्टेंट आपको डेट्स और फीस बता देता हूँ और एग्ज़ाम का पैटर्न बता देता हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पूरी PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे t.me/catipmat, सब स्मॉल में है, ठीक है। इस चैनल को ज्वाइन कीजिए तो आपको प्रीवियस ईयर के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है। कैट, जेट, IFT, सीमेट के प्रीवियस ईयर के क्वांट के पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। LRTI के भी कुछ लिए हुए हैं, ठीक है। प्लस आपको ये पूरी PDF जो सीमेट की नोटिफिकेशन की है ना, इन्फॉर्मेशन वाउचर, ये आपको पूरा उसमें मिल जाएगा। लिंक आप जैसे ही ज्वाइन करोगे टेलीग्राम पे, है ना। तो शुरू करते हैं, ठीक है, ये सब आप पढ़ते रहना। अब मेन चीज़ें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 22 जनवरी तक चलेगा, ठीक है। 23 दिसंबर आज से चालू हो गया, 23 को ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। 22 जनवरी तक चलेगा। लास्ट डेट जो है ना, फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी, ये 23 जनवरी तक है। ये डिटेल्स आप देख लेना। फीस जो है, फॉर्म फीस, वो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व के लिए मेल की है 2000 रुपीज़, फीमेल्स के लिए 1000 रुपीज़, अच्छी बात है, ठीक है। जनरल EWS, SC ST, PWD, OBC, नॉन क्रीमी लेयर की जो फीस है, मेल और फीमेल दोनों के लिए 1000 रुपीज़ है, ट्रांसजेंडर्स के लिए 1000 रुपीज़ है, ठीक है। आपको कोई भी करेक्शन करना हो ऑनलाइन, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती अगर हो जाए तो आप 25th से 30 जनवरी 2021 तक कर सकते हो, ठीक है। 25th से 30 जनवरी की ये विंडो ओपन करवाएंगे, है ना। एडमिट कार्ड की अभी इन्होंने डेट नहीं बताई है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम की डेट बता दी, 22nd और 27th फेब, ठीक है। हो सकता है इनमें से कोई एक डेट भी हो, ना या तो 22nd, आप तो 22nd फेब ही मान के चलो, है ना। वो कोविड के कारण हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए या बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाए तो दो डेट, लेकिन इतने ज़्यादा फॉर्म आने नहीं वाले, ठीक है। तो आप 22nd फेब ही मान के चलो, ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन दो स्लॉट में होगा, एक 9 to 12 और एक 3 to 6, बीच में काफ़ी गैप है, अच्छी बात है ना, 3 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपको एडमिट कार्ड पे बता देंगे, फिर आंसर की एग्ज़ाम के बाद की बातें हैं, उसकी डेट अभी नहीं बताई है, रिजल्ट की डेट अभी नहीं बताई है ना, इन्हीं की वेबसाइट पे आ जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम मोड ही होगा, ये सब आप इनकी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अच्छे से पढ़ लेना। हमारा सीमेट 300 कोर्स भी हम लोग जल्दी लॉन्च करेंगे, है ना, लेकिन वो जनवरी में होगा, तो अभी आप लोग बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, ठीक है। ये पूरा अब एग्ज़ाम का पैटर्न देख लो, पैटर्न सेम है जैसा हर साल रहता है, वो 3 आवर्स का एग्ज़ाम लेते हैं लेकिन ये 2 आवर्स में हो जाता है अगर हमारी अच्छी तैयारी हो तो। क्वांट के 25 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, है ना, लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन। क्वांट में ही DI भी आ जाती है इसमें, एक या दो सेट पूछ लेते हैं, एक एक ही क्वेश्चन रहता है उसका, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। मार्किंग स्कीम जो रहेगी वो हर साल जैसे ही +4 ईच करेक्ट पे, है ना, -1 हो जाएगा इनकरेक्ट पे, अनअटेम्प्ट का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रहेंगे, एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी जो कि आपके लिए जानना जरूरी था, और इससे रिलेटेड ये जो पूरी PDF है इसमें काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है, है ना, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, यानी वो विंडो कैसे दिखेगी, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने एग्जामिनेशन सेंटर पे, लाइक वाटर बॉटल इस बार आप ले जा सकते हो, फ्रूट्स ले जा सकते हो, ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है और कंडीशन के साथ दी हुई है। तो वो आप PDF डाउनलोड कर लेना, जो कि हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर हमने PDF ऑलरेडी इनकी अपलोड कर दी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।